देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखा है। अगर असम का गढ़ उन्होंने बचा लिया, बंगाल में 3 से वो 77-78 तक पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है, तो कुल मिलाकर के तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीत को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अब तक उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। लोकसभा चुनाव में काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम आए थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो काफ़ी बेहतर होकर के आए हैं। उन्होंने वामपंथी दलों का सुपड़ा साफ किया है, वो वोट पूरी तरह से बीजेपी के वोट शेयर का हिस्सा बन चुका है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीतिक तौर पर बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन बंगाल की बात कर ले तो लेफ्ट का सफाया और कांग्रेस का सफाया, एक भी सीट नहीं आना। देखिए, इन चुनाव में निसंदेह कांग्रेस के लिए जो संदेश है वो अच्छा नहीं है, और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए कि केरल में बड़े अंतर से एलडीएफ की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ असम में उनका क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ हुआ, और इसके बावजूद वो बोडो पार्टी के साथ भी वो गए, उन्होंने यूडीएफ के साथ भी अलायंस किया, इसके बावजूद उनका बिल्कुल ही कोई असर नहीं दिखा। दूसरी तरफ बंगाल में उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हुआ है, पुडुचेरी में भी कोई वो परिणाम नहीं निकाल पाए, और अगर तमिलनाडु की जीत को अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से स्टालिन की जीत है। तो मुझे लगता है ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस की दृष्टि से काफ़ी निराशाजनक है। असम और पुडुचेरी में भाजपा और भाजपा समर्थित सरकार बनने के बाद अब देश भर में 18 राज्यों में एनडीए या भाजपा की सरकार हो गई, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है कि इंदिरा गांधी के समय में 17 ही हुआ करता था। भारत विविधताओं का राष्ट्र है, और एक संघीय ढांचे में राष्ट्रीय दलों की इस तरह से हिस्सेदारी राज्यों में हो, निश्चित तौर पर यह एक अच्छा संकेत है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। और जहां उन्होंने अगर कुछ आशानुरूप वहां परिणाम नहीं लाने का काम किया है, वहां सांगठनिक तौर पर वो काफी मजबूत हुए हैं, जिसका उदाहरण बंगाल है। क्या लगता है कि केरल में कांग्रेस की हार, जैसे कांग्रेस समर्थित दल की हार, जहां से राहुल गांधी जीत करके आते हैं, केरल में दोबारा से सरकार लेफ्ट का आना, ये क्या दर्शाता है? ये राहुल गांधी के नेतृत्व को जनता ने पूरी तरह से नकारा है। जिस राज्य से वो सांसद हैं, अगर वहाँ एंटी इनकम्बेंसी एलडीएफ के खिलाफ रहते हुए भी अगर उसको कांग्रेस वहाँ नहीं भुना पाई, तो मुझे लगता है इसे पूरी तरह से नेतृत्व की विफलता माना जाना चाहिए, और कांग्रेस को जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए कि धीरे धीरे जिस तरह से वो हाशिए पर जा रहे हैं, वो 2024 में कहाँ खड़े होंगे, इसकी कल्पना उन्हें जरूर करनी चाहिए।